Subscribe Ze Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. आपको सावधान करने वाली सबसे बड़ी खबर, अगर आप भी अपनी सेहत से जुड़ी जांच के लिए पैथोलॉजी रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो यह खबर ध्यान से देखिए। दिल्ली पुलिस ने आदर्श नगर इलाके की झुग्गियों में चल रही फर्जी लैब का पर्दाफाश किया है। इस लैब में बिना किसी जांच के ही मरीजों की जांच रिपोर्ट तैयार की जाती थी। पुलिस के मुताबिक इस फर्जी लैब के जरिए एक साल में 25,000 लोगों को ठगा गया। पुलिस ने इस फर्जी लैब को सील करके दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिना किसी जांच के ही मरीजों की जांच रिपोर्ट का तैयार होना अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। बीमार होने पर जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो अक्सर डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी लैब भेजता है। पैथोलॉजी लैब की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही डॉक्टर आपका आगे का इलाज भी करता है। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर पैथोलॉजी लैब आपसे जुड़ा हुआ सैंपल कूड़े में फेंक दे और आपको एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे दे। जी हां, दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही लैब का भंडाफोड़ किया जो लंबे वक्त से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए फर्जी रिपोर्ट थमा रहा था। ये स्पेशल रिपोर्ट गौर से देखिए। दिल्ली में जानलेवा पैथोलॉजी लैब का खुलासा। सैंपल कूड़े में फेंक कर देता था फर्जी रिपोर्ट। एक साल में 25,000 मरीजों की जान से खिलवाड़। दस से ज्यादा राज्यों से आते थे सैंपल। दिल्ली के महेंद्र पार्क इलाके में चल रहे यूनिकेयर पाथ सॉल्यूशंस की हकीकत सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक ये पैथोलॉजी लैब मरीजों के सैंपल की जांच किए बिना ही रिपोर्ट दे देता था। इस फर्जी लैब ने पिछले एक साल में करीब 25,000 मरीजों की रिपोर्ट तैयार करके भेजी, लेकिन इन 25,000 रिपोर्ट बनाने के लिए एक भी सैंपल की जाँच नहीं की गई। जांच करने के बजाय ये लैब सभी सैंपल्स को कूड़े के ढेर में फेंक देता था। ये लैब से सैंपल्स मंगवाते थे और लैब से सैंपल्स मंगवा के फर्जी रिपोर्ट जनरेट करके और उस लैब को भेज दिया जाता था। ये उस लैब को नहीं पता कि ये रिपोर्ट फर्जी है, इन क्योंकि एलर्जी जो टेस्ट होती है उसकी किट होती है, वो किट काफ़ी महंगी होती है, वो सारे लैब्स के पास नहीं है। ये क्लेम करता था कि मेरे पास वो किट है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस फर्जी लैब के पास सीधे मरीज नहीं आते थे। यहाँ यूपी, एमपी, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के पैथोलॉजी लैब से जांच के लिए सैंपल भेजते थे। सबसे ज्यादा सैंपल पंजाब से आते थे। इस फर्जी लैब का खुलासा शायद नहीं हो पाता अगर इसे चलाने वाले अजय और संजय यादव के बीच पैसे को लेकर झगड़ा नहीं होता और एक दूसरे को फंसाने के लिए किडनैपिंग का नाटक नहीं रचा जाता। इसमें हमने फिर जब पूरी गहराई में गए तो संजय को तो जो किडनैप वाला केस था वो एक किडनैपिंग का हमने 365 में केस दर्ज किया। संजय हमें मिल गया। संजय के साथ हम अजय को भी पकड़ के लाए। अजय और संजय दोनों से हमें करीब 25,000 फर्जी रिपोर्ट्स मिली जो इन्होंने जनरेट की हुई थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के द्वारका में चल रहा एक पैथोलॉजी लैब भी इस फर्जी लैब से जुड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जांच रिपोर्ट्स पर जिन डॉक्टरों के साइन पाए गए वो भी फर्जी थे, सिर्फ एक को छोड़कर। पुलिस जांच कर रही है कि उस एक डॉक्टर को फर्जीवाड़े की जानकारी थी या नहीं। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद आसपास के लोग हैरान हैं। तो बंद कर देना चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए। गलत रिपोर्ट देने पे ज्यादा से ज्यादा कड़ी इनको कस्टडी होनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर जी, सर ये खतरनाक, तो आप खुद देख लीजिए। एक पेशेंट को ब्लड शुगर है, एक को हाई बीपी है और दोनों की रिपोर्ट एक ही पेशेंट को आप फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसका गलत इलाज कैसे नहीं होगा और डॉक्टर क्या करेगा उसका? डॉक्टर सिर्फ ओनली रिपोर्ट देखता है। यूनिकेयर पाथ सॉल्यूशंस खास तौर पर एलर्जी से जुड़ी रिपोर्ट देता था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खातों से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। महिंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में चल रहे इस फर्जी लैब का खुलासा एसीपी अशोक विश्नोई और थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कादियान की टीम ने किया है। इस लैब को अब सील कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन 23,000 मरीजों को यहां से फर्जी रिपोर्ट दी गई अब उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? कैमरा पर्सन रितेश के साथ मैं शिव यादव, जी मीडिया, दिल्ली।